लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना संक्रमण को रोकने मुंबई में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन सेंटर कम होने के कारण लोगों की भीड़ हो रही है जो कोरोना फैलाने का खतरा पैदा कर रही है। ऐसे में समाजसेवी संजय कपूर ने मनपायुक्त को निवेदन देकर सानपाड़ा की पाम बीच सोसाइटी में वैक्सीन सेंटर बनाने की मांग की है। सानपाड़ा पाम बीच वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से निवेदन देते हुए संजय कपूर ने कहा कि यदि सोसाइटियों में वैक्सीन सेंटर बनता है तो इससे टीकाकरण में आसानी होगी, इससे जहां भीड़ कम होगी वहीं शीघ्र और सुनियोजित ढंग से वैक्सीनेशन हो सकेगा। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई में कोरोना वैक्सीनेशन मनपा के लिए नई मुसीबत बन रहा है। लोग कतारों में ज़्यादा खड़े हैं लेकिन उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं है, ना ही पर्याप्त वैक्सीन सेंटर हैं। ऐसे में समाजसेवी संजय कपूर ने सानपाड़ा पाम बीच वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मनपा आयुक्त को निवेदन देकर सोसाइटियों में ही वैक्सीन सेंटर प्रारंभ करने की मांग की है। संजय कपूर ने कहा कि यदि सोसाइटियों में वैक्सीनेशन शुरू होता तो इससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा जहां कम होगा वहीं लोग नियंत्रित ढंग से अपनी ही सोसाइटी में टीका लगवा सकेंगे। देखिए ऐसा है कि हमारे जो सानपाड़ा पाम बीच वेलफेयर एसोसिएशन है उसके अंदर हमारे अंदर 22 बिल्डिंग है, टावर है, और हर बिल्डिंग के अंदर कम से कम 150 लोग ऐसे हैं जिनका अभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जिसके अंदर सीनियर सिटीज़न है जिनके डबल डबल वैक्सीनेशन बाकी है। तो हमारा सर से, कमिश्नर साहब से 29th को मैं आया था, लेटर दे के गया था, उसी सिलसिले में आज फिर आया हूँ मैं, और यही मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर ऐसा है कि अगर हम लोग बिल्डिंग वाइज वैक्सीनेशन करें तो उससे सेंटर पे जाने वाली पब्लिक क्राउड बहुत कम हो जाएगा, जिससे कोरोना फैलने के चांसेस बहुत कम है। वही सिलसिले में मैंने आज सर से बात किया तो सर ने बोला कि इसके ऊपर आपका लेटर हमको मिला है, उसके ऊपर हमारा वर्किंग चालू है, तो आते दिनों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग वाइज हम लोग सब करने वाले हैं, और आपके अगर कोई डॉक्टर या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अगर है तो आप उनको बोलो एक लेटर देने के लिए, हम लोग उनको परमिशन करेंगे। बताना जरूरी है कि 16 लाख की आबादी वाली नई मुंबई में प्राइवेट और सरकारी कुल मिलाकर 40 से 50 वैक्सीन सेंटर हैं। इनमें से अधिकांश के पास वैक्सीन नहीं है और जहां वैक्सीन है वहां भीड़ ज़्यादा हो रही है। ऐसे में सुनियोजित ढंग से टीकाकरण के लिए सोसाइटियों में वैक्सीन सेंटर बनाने का सुझाव जायज लगता है। संजय कपूर ने कहा कि सोसाइटी में क्लब हाउस हैं, अलग से कमरे और दूसरे इंतजाम हैं, ऐसे में वहाँ कोविड वैक्सीनेशन बेहद अनुशासित तरीके से हो सकता है। उन्होंने अन्य सोसाइटियों के लिए भी परमिशन देने की अपील की है। ऐसा है कि ऑलरेडी हमने हर सोसाइटी, जितने भी हमारे टावर हैं उसके अंदर सब में क्लब हाउस बने हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर हर क्लब हाउस के अंदर 2 रूम 3 रूम रहते हैं जिसके अंदर डॉक्टर रह सकते हैं, वेटिंग वाले आदमी पेशेंट्स रह सकते हैं, और बिल्डिंग के अंदर रहेगा तो सबको इंटरकॉम करके हम लोग नीचे बुला सकते हैं, भी अभी आपका नंबर है आप आके वैक्सीनेशन करा के जाओ। तो हमारा कोशिश ये है कि भाई इससे संक्रमण फैले नहीं और सबको घर पे ही बिल्डिंग में ही सबको वैक्सीनेशन मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।